रहमान रहीम, आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 8 का रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 8 सॉल्व करते हैं। ये हमारे साथ है क्वेश्चन चूज द करेक्ट ऑप्शन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जो पेपर के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और एंट्री टेस्ट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो नंबर 1 है ए रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 2 सेंटीमीटर, देन इट्स इक्वेशन विल बी, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारे साथ है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर। तो रेडियस हमें गिवन है 2 सेंटीमीटर और ए हमारे साथ क्या है रेडियस, तो ए स्क्वेयर है तो 2 स्क्वेयर से आता है 4, मतलब ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 और इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 2 इन द जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर आर, तो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारे साथ है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इससे हमारे साथ सेंटर बराबर है माइनस जी माइनस एफ का और रेडियस बराबर है अंडर द रूट जी स्क्वेयर प्लस एफ स्क्वेयर माइनस सी। तो इसमें बुक में ये माइनस एफ माइनस जी लिखा है लेकिन वो गलत है, माइनस जी माइनस एफ है, तो सेंटर हमारे साथ माइनस जी माइनस एफ है, तो ये डी ऑप्शन करेक्ट है। और 3 है फॉर द जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, दिस इक्वेशन के लिए द रेडियस कैन बी कैलकुलेटेड, तो रेडियस का फार्मूला मैंने लिखा है जी स्क्वेयर प्लस एफ स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर, ठीक है। तो ये हमारे साथ ये वाला सी वाला ऑप्शन सही है, माइनस जी होल स्क्वेयर प्लस माइनस एफ होल स्क्वेयर और माइनस सी स्क्वेयर, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। और पार्ट नंबर 4 है ए पॉइंट ऑन द सर्कल एट विच द टेंजेंट मीट्स द सर्कल एज अ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ये इस तरह है कि ये सर्कल है और वो पॉइंट जिस पे सर्कल ये टेंजेंट लाइन पास होता है ये पॉइंट, तो ये पॉइंट हमारे साथ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 5 है इफ द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन m स्क्वेयर x1 स्क्वेयर माइनस a स्क्वेयर माइनस ए टू माइनस 2m x1y1 और प्लस y1 स्क्वेयर माइनस ए टू इज इक्वल टू 0, देन टेंजेंट आर रियल एंड डिफरेंट। तो हमने जनरल इक्वेशन का प्रूफ एक्सरसाइज में किया था, तो उससे हमारे साथ जब डिस्क्रिमिनेंट हम 0 लेते हैं, प्रूफ का तरीका ये था कि डिस्क्रिमिनेंट हम 0 लेते हैं, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 हो तो हमारे साथ कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आता है प्लस माइनस ए इंटू 1 प्लस एम स्क्वेयर, प्लस माइनस मतलब दो रियल आंसर रियल होगा और डिफरेंट होंगे, तो इसमें 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है रियल एंड डिफरेंट, पहला है रियल एंड डिफरेंट, नंबर बी है इमेजिनरी, इस तरह सी है रियल एंड कोइंसिडेंट और चौथा है इक्वल। तो इस ये फार्मूला जब हम डिस्क्रिमिनेंट 0 पुट करते हैं इसके मुताबिक तो हमारे साथ ये आंसर आता है, तो पार्ट नंबर ए इसमें रियल एंड डिफरेंट होंगे, मतलब पार्ट नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 6 द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट P3 व 4, अगर 3 व 4 पॉइंट से हम टेंजेंट ड्रा करें सर्कल एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 9 इज इक्वल टू 0, अगर इस पॉइंट से इस सर्कल पे हम टेंजेंट ड्रा कर लें देन लेंथ, तो लेंथ मालूम कर इस पॉइंट से इस सर्कल तक इसका लेंथ क्या होगा, उसका फार्मूला हमारे साथ है लेंथ का फार्मूला पी और इसको मैं टी कहता हूँ, पी कोई भी नाम आप दे सकते हैं, एक्स वन स्क्वेयर प्लस वाई वन स्क्वेयर माइनस सी। तो एक्स वन हमारे साथ ये एक्स वन है ये वाई वन है, तो एक्स वन हमारे साथ 3 है तो 3 स्क्वेयर प्लस 4 स्क्वेयर माइनस और सी हमारे साथ 9 है, ठीक है ये प्लस सी है तो माइनस और ये हमारे साथ माइनस 9 है तो माइनस 9, तो 3 3 9 और 4 4 16 प्लस 9 से आता है 25 माइनस 9 से आता है 16 और अंडर रूट 16 से 4 आता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है 4 ऑप्शन नंबर डी है।
तो सिक्स पार्ट हमारे साथ सॉल्व हो गया। नंबर सेवन है द एंगल सबटेंडेड कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। एंगल सबटेंडेड बाय द बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो हमारे साथ ये फार्मूला है टेंजेंट टू थीटा का, हमारे साथ एक फार्मूला है टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा, तो ये फार्मूला बराबर है टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा डिवाइड बाई वन माइनस टेंजेंट अल्फा इंटू टेंजेंट बीटा। तो ये हमारे साथ टेंजेंट टू थीटा क्या है, इसी फार्मूले से मैं सॉल्व करता हूँ। टेंजेंट थीटा प्लस थीटा में लिख सकता हूँ इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा, तो टेंजेंट थीटा है अल्फा, बीटा भी थीटा है प्लस टेंजेंट थीटा, और डिवाइड बाई वन माइनस टेंजेंट थीटा एन टू टेंजेंट थीटा। तो ये हमारे साथ आ जाएगा टेंजेंट टू थीटा इज इक्वल टू टू टेंजेंट थीटा डिवाइड बाई वन माइनस टेंजेंट थीटा एन टू टेंजेंट थीटा से आता है टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे साथ ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट। अब इस फार्मूले के मुताबिक हम ये मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो पार्ट नंबर सेवन हमारे साथ सॉल्व हो गया। नंबर एट है What is the contact point for the line x is equal to 7? What is the ये लाइन का इक्वेशन x is equal to 7 our touch is the circle x square plus y square, touch is the circle x square plus y square minus 4x minus 6y minus 12 is equal to 0, ठीक है। कंटेक्ट पॉइंट इस लाइन और इस सर्कल का कंटेक्ट पॉइंट मालूम, जिस पॉइंट पे ये टेंजेंट है वो पॉइंट मालूम कर ले। तो x इस लाइन से x की वैल्यू हमारे साथ है, तो x की वैल्यू यहाँ पुट कर ले तो y की वैल्यू आपके साथ आ जाएगी, तो कॉन्टेक्ट पॉइंट मालूम हो जाएगा। तो 7 अगर मैं यहाँ पुट कर लूँ x की जगह, तो 7 जार 49 प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 4 इंटू 7, x की जगह अगर मैं 7 पुट कर लूँ तो 47 जार 28 माइनस 6y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो अब वाई स्क्वेयर माइनस 6y 49 और माइनस 28 माइनस 12 से आता है माइनस 40, तो 49 माइनस 40 से आता है प्लस 9। तो अब ये हमारे साथ फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, ए हमारे साथ है 3y और बी हमारे साथ है 3। तो ये फार्मूला है y माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, या वाई माइनस 3 इंटू वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0, या वाई इज इक्वल टू 3। तो y हमारे साथ 3 आ गया, x हमारे साथ 7 है, सो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इज 7, 3। और ये हमारे साथ है ऑप्शन नंबर डी, इसमें हमारे साथ ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। तो पार्ट नंबर 8 हमारे साथ सॉल्व है। नंबर 9 है पर द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी शूड टच द सर्कल। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी हमने पहले मालूम किया, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ये पहले हमने डिस्कस किया है। तो पार्ट ए में है c इज इक्वल टू आर एन टू वन प्लस एम स्क्वायर, पार्ट बी में है c इज इक्वल टू माइनस आर एन टू वन प्लस एम स्क्वायर, पार्ट सी है बोथ ए एंड बी और पार्ट डी भी इस तरह है, ठीक है। तो हमें पता है कि प्लस माइनस आर है, प्लस भी है और माइनस भी है, तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे आर लिखा है, वहाँ पे हमने ए लिखा था, तो ए भी रेडियस है आर भी रेडियस है, तो प्लस माइनस मतलब ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, बोथ ए एंड बी। और आखिरी पार्ट नंबर 10 है ए लाइन परपेंडिकुलर टू द कॉन्टेक्ट पॉइंट, ए लाइन परपेंडिकुलर टू द कॉन्टेक्ट पॉइंट, ए लाइन परपेंडिकुलर कॉन्टेक्ट पॉइंट टू ए सर्कल इज कॉल्ड, इसका ये नॉर्मल लाइन का डिफिनेशन है, नॉर्मल लाइन टेंजेंट लाइन और नॉर्मल लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, ये सर्कल है ये टेंजेंट लाइन होता है और ये जो लाइन है ये इसके परपेंडिकुलर, ये इसको हम कहते हैं नॉर्मल लाइन। तो ये ऑप्शन नंबर बी, ये नॉर्मल लाइन का डिफिनेशन है और ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इसी के साथ रिव्यू एक्सरसाइज 8 कंप्लीट हो गया।
और चैप्टर नंबर 8 ख़त्म हो गया। ठीक है, तो आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।